हाथरस की कोतवाली सादाबाद इलाके के नौगवां बम्बे पर तड़के हुए पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुए घायल। एसपी सहित भारी मात्रा में कई थानों का फोर्स मौके पर मौजूद। एक बदमाश मुकेश पिछले साल हाथरस कोर्ट में पेशी के दौरान अलीगढ़ जेल ले जाते समय पुलिस वैन की जाली काट कर हुआ था फरार, तभी से हाथरस और अलीगढ़ पुलिस को तलाश। दूसरा बदमाश भी है बंचे। तड़के मुखबिर की सूचना पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दोनों बदमाशों का सादाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार जारी। हाथरस से नीरज चक्र पांडे की रिपोर्ट, SKH न्यूज। अभिरक्षण से फरार हुआ था और तब से पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी। मुखबिर सूचना पर ये था कि ये किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं और एक बड़ा अपराधी है जो कि आसपास के इलाके से फरार हुआ था, जो कि यहाँ पे सक्रिय होने वाला है। इसी पर सादाबाद पुलिस और अन्य पुलिस जो थी वो चेकिंग कर रही थी, जिसमें चेकिंग के दौरान ये एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखे। बिना नंबर की मोटरसाइकिल देख करके पुलिस वालों ने इनको रोकने का प्रयास किया, जिसमें दोनों ने पुलिस पर जान लेने की नियत से फायर किया। इसी में जो पुलिस ने जो जवाबी फायरिंग की, उसी में इनके दोनों के गोली लगी है। दोनों बदमाश घायल हो गए हैं, दोनों का उपचार कराया जा रहा है। सर मुकेश पर नाम भी है कुछ? मुकेश के जो पुरानी हिस्ट्री है, इसके ऊपर कई मुकदमे हैं और अलीगढ़ से, क्योंकि अभिरक्षा से फरार हुआ था, वहीं से इनके बारे में पूछताछ करके पता किया जाएगा। नाम भी घोषित है इस पर? वही पता किया जाएगा इन पर क्या इनाम था क्या नहीं था।